विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कलेक्ट्रेट पर गर्जी। आपको बताते चले, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को बरेली में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इकट्ठा हुई, जहां प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में SM प्रथम को दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE एजुकेट की भर्ती ना की जाए, ICDS का निजीकरण और संविधिकरण ना किया जाए, आंगनवाड़ी के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाए, आंगनवाड़ियों के मानदेय में वृद्धि की जाए और रिटायरमेंट पर पेंशन दी जाए, ऑनलाइन कार्यों के लिए पर्याप्त मोबाइल डाटा दिया जाए, उनकी सेवाओं का हनन ना किया जाए। मेरा नाम ममता मौर्य, मैं फरीदपुर ब्लॉक से हूँ। मैं बाकी की सारी बातें मेरी बहने बता ही चुकी हैं एजुकेटर के बारे में कि जो नई नई सरकार जो नई नई नीतियाँ रणनीतियाँ अपनी बनाती है, नई नई रिवाजें निकालती है, जो है उनको तो दे नहीं पा रही है, लेकिन और नियुक्त कर रही है। लेकिन मैं दो लाइनों में सरकार से कहना चाहूँगी, छेड़ना मुझको लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। सीधे सादे से मेरे एक दिवसीय ज्ञापन पे ही सरकार अपना निर्णय ले ले, जो नई भर्तियां करने जा रही है वो हम लोगों को रखे, नहीं तो ये तो टेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, हम लोग असीमित काल धरना देंगे। जी जी और उसका मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वैच्छिक वातावरण देना है। आप आंगनवाड़ियों को जितने अनगणित काम दे रहे हैं, सर्वे करो, संचारी रोग करो, टीकाकरण करो, खलाना करो, धमाका करो, 4,500 आप रोकिए उनको। आपसे हमको ये आदेश दीजिए कि बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है और 300 रुपये आप हमारे मानदेय में इजाफा करिए। ये इस बात का आंगनबाड़ी एसोसिएशन चैलेंज देता है कि शहर के क्रेच क्या चल रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्ले ग्रुप क्या चल रहा होगा, जो आंगनबाड़ी चला के दिखाएंगे बच्चों को वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। सरकार से हम लोगों का बस यही निवेदन है, सरकार हमको के बारे में सोचिए, महिला आंदोलन बहुत आगे जाए। ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी चैनपुर से, मैं पिंकी, आंगनवाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी चैनपुर। सर, जब हमको 2 बार ECCE की ट्रेनिंग दे दी है तो फिर हमारे ऊपर क्यों रखा जा रहा है एजुकेटर? अब आप ये बताइए कि हम सक्षम नहीं है या आपको अपने ऊपर शंका है कि जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी है वो ट्रेंड नहीं है? तो हम लोग 20 साल से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या इस लायक हम लोग नहीं समझे जाते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे? फिर किस लिए ये एजुकेटरों की भर्ती की जा रही है? हमारे लिए जब सांसद में बात की गई तो 54 नहीं है बढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया गया, आपके लिए कोई मानदेय के लिए वृद्धि के लिए नहीं है, तो 10,000 रुपये कहाँ से आएगा उनको देने के लिए अलग से? हम लोगों को ही 20,000 कर दीजिए और हमसे काम लीजिए। क्या हम काम करने में सक्षम नहीं है? जब हमको ECCE की ट्रेनिंग दी जा चुकी है तो इसका मतलब जो आपने ट्रेनिंग दी वो गलत थी। जब एंटिटी धारक बच्चा पढ़ा सकता है तो हम ECCE की ट्रेनिंग लेकर क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है या अपनी सरकार के ऊपर की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बेकार है? धन्यवाद। आंगनवाड़ी, अभी मेरा नाम विनीता पटेल है, मैं ब्लॉक शेरगढ़ से हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो एजुकेटर सरकार लगा ही रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग भी, एजुकेशन हमारी भी अच्छी खासी है तो हम लोगों को क्यों नहीं? हम 1975 2 अक्टूबर से यहाँ पे काम कर रहे हैं इस मिशन पे, तो भाई हम भी तो इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व हैं इसमें, इसको हमें करना चाहिए सरकार के लिए, लेकिन हमें साइड में करके एजुकेटर अलग से कैसे लगा सकती है सरकार? और तो मानदेय कोई मांगे? मानदेय की मांगे सर हमारे लिए 6,000 4,500 रुपये में हम काम कर रहे हैं, एजुकेटर को 10,300 रुपये तुरंत ही दिए जाएंगे और हमारे लिए कोई वृद्धि ही नहीं है, तो सरकार के लिए हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। इसको लेकर हमारे अंदर बहुत रोष है और ये हम अभी हमारा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन नेक्स्ट भी हम ये करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। DM साहब को